राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवलिंग बाबा में। और आज हम इस वीडियो में चलेंगे चोपता। लास्ट वीडियो में मैंने श्री बाबा केदारनाथ जी के दर्शन कराए थे और अब हम निकल पड़े हैं बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। इस वीडियो में मैं आप सभी को चोपता घुमाऊंगा, साथ ही वहाँ श्री महादेव तुंगनाथ जी के दर्शन कराऊंगा और चंद्रशिला ट्रैक कराऊंगा। और वहाँ रुकने के क्या इंतजाम रहेंगे, खाने पीने के क्या इंतजाम है, चार धाम यात्रा के साथ में आप कैसे चोपता घूम सकते हैं, साथ ही दिल्ली से या हरिद्वार से यदि आप ये चोपता घूमना चाहते हैं तो वो कैसे घूम सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। वही साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि एक व्यक्ति का खर्चा क्या रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप चोपता घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथ ही वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। चलिए दोस्तों, ज्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो, चलते हैं चोपता। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हम चोपता कैसे पहुँचे। यदि आप चार धाम की यात्रा कर रहे हैं, यदि आप केदारनाथ से बद्रीनाथ जा रहे हैं, सोनप्रयाग से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है चोपता। यदि आप दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ पर आना चाहते हैं तो वो भी आप आ सकते हैं। दिल्ली से लगभग 445 किलोमीटर की दूरी रहेगी। वही बात करें हरिद्वार से, हरिद्वार से लगभग 215 किलोमीटर की दूरी रहेगी चोपता की। दिल्ली से डायरेक्ट आपको यहाँ के लिए बस अवेलेबल नहीं होगी, ना ही ट्रेन और ना ही यहाँ पर फ्लाइट आती है। तो दोस्तों, दिल्ली से आप बाई ट्रेन पहुंचिए हरिद्वार, हरिद्वार से आपको लोकल बसों के द्वारा आप गुप्तकाशी पहुंचिए। गुप्तकाशी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चोपता। यदि दोस्तों दिल्ली से आप अपनी बाई कार या बाई टैक्सी के द्वारा भी यहां पर आना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से आ सकते हैं। साथ ही यदि आप यहां पर बाई कार आ रहे हैं तो आपको बता दूं कि टोल दोनों तरफ का लगभग 920 रुपए का रहेगा। वहीं बात करें सीएनजी की तो लास्ट सीएनजी पंप आपको ऋषिकेश क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी यहाँ पहुँचने की। और अब बात कर लेते हैं यहाँ किस समय आने चाहिए। आप यहाँ पर साल के 12 महीने आ सकते हैं। यदि आप सर्दियों में आते हैं तो यहाँ पर आप पूरी बर्फबारी का मजा ले सकते हैं। यदि आप समर के समय आते हैं तो बर्फबारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। चोपता में दोस्तों आप स्नोफॉल से लेकर टेंपल, ट्रैकिंग और भी बहुत सारी चीजें के लिए आप यहाँ पर आनंद उठा सकते हैं। और ये सब चीजें आप सिर्फ एक दिन का स्टे करके यहाँ पर आप घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर स्टे कहाँ पर करें। आपको चोपता में बहुत सारे होटल देखने को मिल जाते हैं। हालांकि मार्केट ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी, मार्केट छोटी है, तो चोपता में इसके अनुसार आपको भी होटल देखने को मिल जाएंगे। होटल्स का चार्ज लगभग 800 रुपए से लेकर और 3-3.5 हजार रुपए तक में आपको काफी अच्छे रूम देखने को मिल जाते हैं। शाम के समय आप यहाँ पर मार्केट में भी घूम सकते हैं। यदि आप यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में आते हैं तो आप सुबह ही अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपना रूम लीजिए, आराम कीजिए और नाइट में सोने के बाद सुबह उठिए और सुबह उठते ही आप अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए तुंगनाथ और चंद्रशिला के लिए। वहीं 150 रुपए के करीब आपको एंट्री फीस भी देखने को मिल जाती है तुंगनाथ ट्रैक की। तुंगनाथ ट्रैक का डिस्टेंस लगभग 3.75 किलोमीटर का है और लगभग वहां से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आप जा सकते हैं चंद्रशिला ट्रैक करने के लिए। ये दोनों ट्रैक कंप्लीट करने में आपको लगभग 2.5-3 घंटे का समय लग जाता है। तुंगनाथ का जो ये ट्रैक है ये काफी वेल मेंटेन है, काफी अच्छा रास्ता है। यहाँ पर आप आराम से ट्रैकिंग कर सकते हैं, किसी प्रकार के भी आपको यहाँ पर कष्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये ट्रैक करने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। ये ट्रैक सुबह 8 बजे आप स्टार्ट जरूर कर दें, जिससे कि आप रिटर्न आप वापसी सेम डे ही आ सकते हैं। सुबह आप लाइटली ब्रेकफास्ट करके निकले, साथ में एक पानी की बोतल और कुछ स्नैक्स, बिस्किट्स या चिप्स जरूर साथ में रखें। समुद्र तल से 3,680 मीटर की हाइट पर बना हुआ है तुंगनाथ मंदिर और यह मंदिर यहाँ पर बना हुआ सबसे ऊंचाई पर सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। माना जाता है अपने चचेरे भाइयों को मारने के बाद पांडवों को आत्मग्लानी होने लगी थी और उसका पश्चाताप करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, जिसके लिए वे भगवान को ढूंढते हुए केदार तक पहुंच गए। वहां भगवान शिव बैल का रूप लेकर 5 हिस्सों में अंतर्धान हो गए और बाद में इन 5 हिस्सों को पंच केदार के नाम से पूजा जाने लगा, जिसमें से तुंगनाथ को तीसरे केदार के रूप में माना जाता है।
पहले पर भगवान श्री केदारनाथ मंदिर आता है। केदारनाथ पर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो मेरी लास्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, मैंने केदारनाथ की स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ मेरी वीडियो आराम से जाकर देख सकते हैं। तुंगनाथ मंदिर के आसपास में आपको काफी सारे फूड ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, साथ ही यदि आप यहाँ पर स्टे भी करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो आप भगवान तुंगनाथ जी के आप दर्शन कीजिए, काफी अच्छे दर्शन होते हैं यहाँ पर, साथ ही दर्शन करने के पश्चात आप निकल जाइए चंद्रशिला ट्रैक की तरफ। तुंगनाथ से चंद्रशिला ट्रैक लगभग 2 किलोमीटर का है और ये ज्यादा मेंटेन नहीं है और यह एक कच्चा रास्ता है और इस ट्रैक को कंप्लीट करने में आपको लगभग 1 से 1.25 घंटे का समय आराम से लग जाता है। इस 2 किलोमीटर के ट्रैक के दौरान आपको यह रास्ता काफी एडवेंचर और बहुत ब्यूटीफुल व्यूज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आने वाले टूरिस्ट तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद ही वापस लौट जाते हैं, तो इस बार इस ट्रैक पर आपको बहुत ही कम टूरिस्ट देखने को मिलेंगे और नज़ारे यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलते हैं। चंद्रशिला मंदिर का भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, माना जाता है राजा दक्ष की 27 बेटियों में से एक बेटी थी जिसका नाम रोहिणी था, वह चंद्रमा को काफी पसंद आ गई थी। इस बात का जब राजा को पता चला तो गुस्सा होकर उसने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया और उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने इसी जगह पर भगवान शिव जी की पूजा की थी और तभी से इस जगह को चंद्रशिला नाम से जाना जाता है। और यहाँ दर्शन करने के पश्चात आप वापसी चलिए अपने होटल की तरफ और खाना खाकर आराम से सो जाइए और सुबह उठिए नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे हम ट्रैक करेंगे देवरिया ताल। देवरिया ट्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले सिरियत विलेज जाना होगा, जहाँ से यह लगभग 2.25 किलोमीटर का ट्रैक होता है और इस ट्रैक को कंप्लीट करने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। यहाँ पर भी आपको 150 रुपए की टिकट देखने को मिल जाती है अडल्ट की, वही स्टूडेंट की बात करें तो 75 रुपए की टिकट रहेगी स्टूडेंट के लिए। यदि आप तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक के दौरान थके हुए हैं और आप यहाँ पर ट्रैक पैदल नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर घोड़े की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, लगभग 500 रुपए का घोड़े का चार्ज रहेगा, तो आप उसके द्वारा भी आप ये ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे ही हम ये ट्रैक पूरा कंप्लीट करते हैं आपको एक खूबसूरत झील देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर सितंबर से लेकर हाफ दिसंबर तक और मार्च से लेकर जून तक कभी भी घूमने आ सकते हैं। वही जनवरी में कभी कभी ज्यादा स्नोफॉल होने के कारण चंद्रशिला ट्रैक क्लोज हो जाता है। वही जुलाई अगस्त में यहाँ पर मानसून का दौर जारी रहता है तो बारिश के दौरान यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा ज्यादा रहता है, तो उस समय आप यहाँ पर नहीं आए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बजट की। यदि आप यहाँ पर बाई दिल्ली आ रहे हैं तो लोकल ट्रांसपोर्ट का ही सहारा लीजिए, जिससे कि आपका खर्च बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो यदि आप लोकल ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं तो यह ट्रिप आपका लगभग 2500 रुपए से लेकर और 4000 रुपए के बीच में आराम से हो जाता है। वहीं यदि आप टैक्सी हायर करके आ रहे हैं तो आपका खर्च लगभग 7 से 10 हजार रुपए करीब आपका खर्च रहेगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के द्वारा आप सभी को चोपता की छोटी से बड़ी जानकारी उपलब्ध करा दी है। यदि मेरे से कोई जानकारी बाकी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ ही यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलिएगा। और मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दें, मैं आप सभी के लिए ऐसी इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।